हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मई यूट्यूब चैनल। मैं सब निहार रंजन नंद। प्लस थ्री फर्स्ट ईयर जो पे एडमिशन करेंगे तांकर एनवायरमेंटल स्टडीज हूँ गोटे कंपलसरी सब्जेक्ट। से जेकोसी यूनिवर्सिटी हो ना कहीं, संबलपुर यूनिवर्सिटी हो, ब्रह्मपुर यूनिवर्सिटी हो, उत्कल यूनिवर्सिटी हो, कि ओडिशार समस्त यूनिवर्सिटी रे सेम सिलेबस अच्छी एनवायरमेंटल स्टडीज रो। ओके, ईवीएस रो सिलेबस सेम, समस्ते सेम सिलेबस नहीं एग्जाम देबे। तो एटा जोटा संबलपुर यूनिवर्सिटी रो सिलेबसटा जोटा कि तुमर समस्त यूनिवर्सिटी ओडिशार समस्त यूनिवर्सिटी ए सिलेबस एप्लीकेबल। ओके, एटी ब्लॉक 1 रे देखिवा कौन कौन अच्छी सिलेबस रे। तो किछटा यूनिवर्सिटी रे ब्लॉक 1 जगह कोठी यूनिट 1 लिखाई छी, यूनिट 2, यूनिट 3 एमती लिखाई छी, बट सिलेबस सेम समस्तंकर। ओके, तो ब्लॉक 1 रे पिलाने अछि एनवायरमेंट एंड इट्स कंपोनेंट्स। आमे ब्लॉक 1 रे पढ़िबा एनवायरमेंट एंड इट्स कंपोनेंट्स पढ़िबा। तो ब्लॉक 1 रो यूनिट 1 रे अछि कांसेप्ट ऑफ एनवायरमेंट स्टडीज। देन यूनिट 2 रे पढ़िबा द एनवायरमेंट एटमॉस्फेयर विषय रे पढ़िबा, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, बायोस्फीयर विषय रे पढ़िबा। देन यूनिट 3 इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम, देन बायो जियोकेमिकल साइकिल, कार्बन एंड नाइट्रोजन साइकिल विषय रे यूनिट 1, 2, 3 रे सब जिन पढ़ा जोटा कि ब्लॉक 1 रे जाउछि। एनवायरमेंट एंड इट्स कंपोनेंट्स रे यह सब जाउछि। ओके, तापर आसला ब्लॉक 2। ए सब गुडा पिला माने आमे हमर चैनल रे डिस्कस करिबा। तो ब्लॉक 2 रे तमर अछि रोल ऑफ इंडिविजुअल्स एंड देयर एसोसिएशंस इन एनवायरमेंट, जोठी हमें देखिबा पॉपुलेशन इकोलॉजी देखिबा, इंडिविजुअल स्पेसीज पॉपुलेशन कम्युनिटी विषय पढ़िबा। देन यूनिट 5 रे पढ़िबा पॉपुलेशन ग्रोथ एंड कंट्रोल्स, ह्यूमन पॉपुलेशन, अर्बानाइजेशन एंड इट्स इफेक्ट ऑन ह्यूमन सोसाइटी। एई गुडा तमो सिलेबस रे अछि। तापर यूनिट 6 रे पढ़िबा डिजीजेस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, कम्युनिकेबल डिजीज आर नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। तो ह्यूमन बीइंग रे डिजीज विषय पढ़िबा, कम्युनिकेबल डिजीज आउ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज विषय पढ़िबा। देन ब्लॉक 3 रे अछि रिसोर्सेस ऑफ एनवायरमेंट एंड देयर मैनेजमेंट, एनवायरमेंट रो रिसोर्सेस आउ तार मैनेजमेंट। सेठी हम देखिबा नेचुरल रिसोर्सेस देखिबा कि टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस हम पढ़िबा। देन यूनिट 8 रे मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस पढ़िबा, सॉइल, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, बायोडायवर्सिटी, ए सब जिन हमें यूनिट 8 रे पढ़िबा। देन यूनिट 9 रे तुम अच्छी एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, जमीती कि एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन एंड नॉइज पॉल्यूशन, ये सब एनवायरमेंटल पॉल्यूशन विषय अच्छे। तापर आसला ब्लॉक 4। ब्लॉक 4 रे हमें पढ़िबा प्रॉब्लम्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ओके, तो ब्लॉक 4 यूनिट 10 में पढ़िबा एनवायरमेंटल मूवमेंट्स, एनवायरमेंटल मूवमेंट्स इन इंडिया एंड एनवायरमेंटल मूवमेंट्स इन ओडिशा। देन यूनिट 11 रे पढ़िबा नेचुरल डिजास्टर्स एंड देयर मैनेजमेंट, एटा में यूनिट 11 रे पढ़िबा। देन यूनिट 12 रे पढ़िबा एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, जमीती कि वाटर एक्ट 1974, एयर एक्ट 1981, द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, रोल ऑफ सीपीसीबी एंड एसपीसीबी, सीपीसीबी और एसपीसीबी रोल पढ़िबा। एभली भाव में 12 यूनिट टोटल अच्छी और 4 ब्लॉक अच्छी। तो केतटा यूनिवर्सिटी रे एगुडा को यूनिट भाव में लिखाई थाए, किंतु सबु यूनिवर्सिटी रे सेम सिलेबस अच्छी। मुझे जहाँ जहाँ कहली सब गुड़ाक ब्रह्मपुर यूनिवर्सिटी देख, उत्कल यूनिवर्सिटी देख, कि संबलपुर यूनिवर्सिटी देख, कि ओडिशा रे जितकी भी यूनिवर्सिटी अच्छी, सब यूनिवर्सिटी रे सेम सिलेबस अच्छी। आमे टोटल सिलेबस को आम चैनल में वन बाय वन कवर करी। जो मैं वीडियो टी भल लगी वीडियो को लाइक कर, आउ ए एनवायरमेंटल स्टडीज पे गोटे स्पेशल प्लेलिस्ट मु आम चैनल रे क्रिएट कर दे। तुम यूट्यूब निहार रंजन नंद सर्च करके एक प्लेलिस्ट को जाकि सब वीडियो को देखी नहीं पार, कि जो मैंने टेलीग्राम ग्रुप जॉइन होने पर चाहूँ डिस्क्रिप्शन लिंक अच्छी, डिस्क्रिप्शन थोड़ा लिंक को क्लिक करके तुम जॉइन कर जाइपर। एवं ये आम एंटायर सिलेबस तुम एनवायरमेंटल स्टडीज आम कंप्लीट करवा, जोटा कि फास्ट सेमिस्टर पिलामानंकर प्लस थ्री फास्ट ईयर फास्ट सेमिस्टर पिलामानंकर सब्जेक्टा कंपलसरी सब्जेक्ट भाव में अच्छी। ओके, तो ठीक अच्छे पे जो वीडियो टी भल लगी वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन भी प्रेस कर दियो, जहाँद्वारा कि मुझे जितने किसी नुआ वीडियो अपलोड करी तो नोटिफिकेशन सीधा जाकि तुम पाखे पहुँचे। ओके, थैंक यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।